गोल गोल चक्री के चक्कर लगा, भले किसी की भी टोपी किसी को तू पहना, जाएगा कहाँ तू प्यारे दुनिया है गोल। गोल गोल चक्री के चक्कर लगा, भले किसी की भी टोपी किसी को तू पहना, जाएगा कहाँ तू प्यारे दुनिया है गोल। कोई करे गोल ढाल, कोई करे गोल माल, कितनी भी कर ले चला की कोई मेरे यार, बचना है बचना है एक दिन गोल। बजना है बजना है एक दिन ढोल। गोल गोल चक्री के चक्कर लगा, भले किसी की भी टोपी किसी को तू पहना, जाएगा कहाँ तू प्यारे दुनिया है गोल। गोल गोल चक्री के चक्कर लगा, भले किसी की भी टोपी किसी को तू पहना, जाएगा कहाँ तू प्यारे दुनिया है गोल। कोई करे गोल जान, कोई करे गोल माल, कितनी भी कर ले चला की कोई मेरे यार, बजना है बजना है एक दिन ढोल। गोल गोल चक्री के चक्कर लगा, भले किसी की भी टोपी किसी को तो पहना, जाएगा कहाँ तू प्यारे दुनिया है गोल। दुनिया है गोल, दुनिया है गोल, दुनिया है गोल। राउडिज्म छोड़कर राजनीति में जा रहे हो, आपके साथ के बिना हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो। रविशंकर जी, नया फोन है क्या? लाइट वेट है। हाँ सर, आप रख लीजिए, आपसे बढ़कर क्या है, आप जो चाहे मांगिए मैं आपको दे दूंगा। साहब को फोन बहुत पसंद है, उनको हमेशा फोन नया चाहिए। कोई खास बात नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था, ऐसे ही दो तीन फोन मेरे पास हैं। ये सब छोड़िए, जिसके लिए आए हैं वो बात करें। अच्छा रविशंकर जी, यहाँ आने की कोई खास वजह? इस बार उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए। आप तो जानते ही हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, मुरली को कैसे हटा सकते हैं? आप जिसके बारे में कह रहे हैं, वो तीन इलेक्शन से कंटिन्यू इलेक्ट हुआ है, वही मुरलीनाथ क्या? हाँ, उसके बारे में काफी सुना है मैंने, पार्टी के लिए काफी मेहनत करता है वो, कोई पैसों के लिए तो कोई नाम के लिए ऐसा करता है, लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं है, उसको हमारी पार्टी से हटाना। ऐसा है तो इनकी सीट का क्या होगा? मुश्किल है, अभी भी हाई कमांड की नजरों में ये सीट राउडी ही है, ये तो अधिक ही हुआ ना, पहले वो केस सब क्लियर करके आ जाओ, उसके बाद सोचेंगे। करो, वो एमपी एमएलए के साथ मिलकर नाटक कर रहा है, मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, और उसकी जगह दूसरा चाहिए। ध्यान से सुनिए प्रताप जी, हम घर से बाहर रहने वाले कुत्ते हैं, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही सुन रहे हैं, अगर कुत्ते को ऊपर पत्थर मारा तो वो रास्ते में जाने वालों के अलावा अपने मालिक को भी नहीं छोड़ेगा। सुनो, मेरे पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वर्षों का है, मेरी बात कान खोल करके सुन लो, मुझे कुत्ते पालना भी आता है और इंजेक्शन देकर मारना भी आता है, मेरे सामने भौंकने की कोशिश मत करो। तुम अपने कुत्ते को मारते तो कुछ नहीं होता, लेकिन लेकिन तुमने
पागल कुत्ते को मारा है। भाई इसे तो खत्म कर दिया, अब तुम राजनीति में राज करो। हमारे पास और दो लोग हैं, दोनों का फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। इतना आसान काम नहीं है गुरु। आप अपना दिमाग ठंडा रखो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो गुरु। इलेक्शन खत्म होने तक मारपीट मत करना। आए तुम पॉलिटिक्स में जाओगे। कितना सुंदर है ये गांव, सुंदर मंदिर, त्योहार, रामलीला, नाटक। एक या दो छोटा सा ही गांव होता है, लेकिन उसे समझने के लिए अपनी जिंदगी ही कम पड़ जाती है। संस्कृति अपने पैदा होने से पहले अपने साथ साथ ही आती है, वो अपनी मिट्टी का गुण है। हम कहीं भी जाएंगे हमें जीवन का पता है, क्योंकि हम गांव वाले चुपचाप नहीं बैठेंगे। वैसे ही अभी हम हमारा सुकून नहीं खोना चाहते हैं। आप कुछ भी कहो, गांव गांव ही है और शहर शहर ही है। मैं अपने लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों, मेला, गांव, गली, वाह, बात करने का शब्द भी नहीं मिल रहा है। मगर डर होता था कहीं ये हमसे दूर न चले जाए। आज की जनरेशन के बच्चों की सोच बदल रही है। ये सब शुरू हुआ है माफिया नाम के तीन अक्षर की वजह से। ये कहाँ से पैदा हुआ पता नहीं, मगर इसने सभी की खुशियों को छीन लिया। सबको पता था कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन सभी लोग बिल्ली के जैसी आंखें बंद करके दूध पी रहे हैं। मैं जो कहानी कहने वाला हूँ वो भी ऐसी ही है। रविशंकर नाम का बहुत बड़ा राक्षस पैसों के लालच में ऐसी ही एक दुनिया को बनाकर समाज का रास्ता बदलकर डर की दुनिया फैला रहा है। इसका विरोध करने वाले कई लोग इसके हाथों से बलि भी चढ़ गए हैं। उसका कोई सामना नहीं कर सकता। रविशंकर को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसका गुरु, साइको गुरु जगली चंद्रा का विशेष हाथ है। फिर भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो राजनीति में जाने वाला है। ये भी एक बात कुरकुरा बनाने वाली फैक्ट्री के जैसी हो गई। बुरे लोग गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे ताकतवर है। अच्छे और सच्चे लोग चुपचाप बैठे हैं। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए 100 में ना सही पर 1000 में एक जरूर होगा। सूर्या, अभी जोश में होता, अपने आप पे काबू रख। भाई बैंड लेकर आओ। भाई तुम लोग अपना बैंड लेकर जाओ और मैं इनकी बैंड बजाता हूँ। तुम ऐसा नहीं बोलने वाले, तुझे तो मैं जग्गा, भाग मत, मैं तेरी तरह भाग नहीं पाऊंगा। अपनी ये लुच्चागिरी देख, अगर तू भागेगा तो ठीक नहीं होगा। याद रखना, मेरे साथ चालाकी मत करना। शट, तुम्हारे पैसों का ब्याज भर भर के मैं थक चुका हूँ यार। अच्छा, तो तेरी औकात इतनी सी और गुस्सा इतना सा। इसको सादा बिस्किट नहीं, कुत्ते का बिस्किट खिलाना पड़ेगा। ए! मैं तुमको रोक सकता हूँ क्या? अब इतने दिन रुके हैं ना। तुम्हारा पैसा ले जाके तालाब में फेंक दिया। कौन से तालाब में? क्या बोल रहा है?
तू पागल हो गया है क्या? नहीं यार, तुम्हारा पैसा बैट में डाल के रखा है। रात होते ही बैट का क्या होगा पता चल जाएगा। इतना टेंशन क्यों लेते हो? हम क्रिकेट खेलते हैं ना, वो सब बाद में देख लेंगे। क्या चक्कर है, टॉपिक क्यों चेंज कर रहा है? तेरा हाल कुत्ते की पूंछ की तरह है और सबको पैसे दे करके मैं फंस गया हूँ। मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, समझ लो तुम्हारा पैसा मिल गया। है? क्या समझो, तू देने वाला है या नहीं देने वाला है? दे दूंगा ना। चाय का पैसा दो ना मुझे। चाय का पैसा ये देंगे। अरे सुन, मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो यार? तुम्हारी अंदर की जो चड्डी है उसमें 275 रुपए है ना। चाय का 10 रुपए दोगे तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? ये तो सीसीटीवी कैमरे का भी बाप है, मेरे चड्डी के अंदर का पैसा देख लिया। ठीक है, 250 है क्या? हाँ देता हूँ देता हूँ। ये लो। ये क्या है? उधार में लिख लो यार। उधार? अगर तूने नहीं दिया तो? नहीं दिया तो तुम अपना गला काट लेना। कहाँ गया ये भाई? ज्यादा लगी क्या? नहीं, लगा के चल गया। चंद्रा, मैं पुलिस वाले को उठाकर फैक्ट्री में लाता हूँ, तू प्रेस रिपोर्टर सतीश को उठाकर ला। तुम टेंशन मत लो, वो जहां भी होगा मैं उसे उठाकर ले आऊंगा। उस मैटर को फ्रंट पेज पे डाल दो। सर बैक कॉलम खाली पड़ा है, उसमें डाल देंगे। हाँ हाँ डाल सकते हो, ये वही है ना। रुको रुको, ए उठाओ इसको, चलो ए जल्दी जल्दी भागो। जल्दी जल्दी तेज भागो, तेज चलाओ गाड़ी, पकड़ना उसे। जाने दो उसे। बोलो चंद्रा। बोलो गुरु। क्या हुआ? वो मेरे सामने से ही भाग रहा है, मैं उसे पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उसे भागने मत देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो बचना नहीं चाहिए, उठा कर लाओ। पंगा लेगा तो क्या समझता अपने आप को? एक पुलिस वाले पे हाथ उठाने का मतलब जानता है क्या? अबे ज्यादा उड़ मत, भाई को आने दे बस, वो तेरा वो हल करेंगे कि हमसे पंगा लेने का मतलब समझ में आ जाएगा। हेलो यहां से। चलो चलो बांधो इसे भी। क्यों बे, भाई के खिलाफ गलत चीजें छापता है, अब हम तुझे बताएंगे कि छापा कैसा जाता है। ए, ले जा इसे, बांधो इसे भी। भाई आ गए। पत्रकारों का और पुलिस वालों का काम क्या है पता है तुम्हें? पब्लिक के और पॉलिटिशियंस के बीच में संबंध बनाना। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? पॉलिटिशियंस को तुम इतना चीप समझते हो? जमाने भर की कितनी टेंशन होती है हमें पता है, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए एक दो कब्जे, दो चार मर्डर करते हैं, तो इतना हंगामा क्यों करते हो? रौब दिखाते हो हमें, रौब दिखाते हो? ए देख, तू मुझे, मेरी बीवी बच्चों को मार सकता है, मेरे लिखे हुए मैटर को नहीं, सिर्फ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है, मेरे लिए ये काफी है। बड़ी इमोशनल बातें कर रहा है रे पत्रकार,
तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए पछताएगा। बच्चे को कुछ मत करना। अब तो एक बार और लिखना, अपने स्मार्ट बेटे की डेड बॉडी के बारे में। भाई पुलिस वाले का क्या करें? उसे भी मार दो, आज सुबह उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ए, खत्म कर दो। क्या कर रही है? नखरा दिखा रही है, इसको दिख नहीं रहा हूँ क्या मैं? सुबह सुबह ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाप रे, क्या चीज है। ओफो, अभी शटर को जाम होना था। ओ चेक शर्ट वाले, जरा इस शटर को ऊपर कर दोगे? मैं? आप ही? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? मैं कौन हूँ तुम जानती हो क्या? मेरा नाम भी जानती हो? अब वापस उसी जगह पर जाओ और फिर से बुलाओ। उफ, मेरी भी किस्मत ना। अरे सूर्या जी, इस शटर को ऊपर उठा देंगे? ओ, आता हूँ। आया बड़ा। चार दिनों से मुझसे बात नहीं की और आज शटर खुलवाने के लिए प्यार से बात कर रही है। वैसे आपका नाम क्या है? आज ये सवाल मुझसे पूछ रहा है। मल्लिका। मल्लिका? बहुत सालों पहले मल्लिका नाम की फिल्म आई थी, देखी थी क्या? अच्छा, हीरो कौन था? मैटर हीरो का नहीं है, मैटर ही हीरो है। उसका सीडी लाके दूं क्या? सीडी? ना बाबा ना, शटर उठाया उसके लिए थैंक्स, अब आप जा सकते हो। अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं तो बुरा मत मानना, तुम्हारी खूबसूरती देखकर कोई भी तुम्हारे पीछे पागल हो सकता है। आज तक कितने लड़के तुमसे प्यार कर चुके हैं इसका तो तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं होगा। वैसे तुम्हारे मम्मी और डैडी इससे शादी कर ले उससे शादी कर ले जबरदस्ती तो करते ही होंगे। तुरंत मुझे आकर बताना, मैं उनसे बात कर लूंगा, क्योंकि एक लड़का तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, वो भी बहुत दिनों से, जानती हो। क्या मुसीबत है। अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने घर के राशन कार्ड में तुम्हारा नाम जुड़वा सकता हूँ। वैसे तुम नित्यानंद के जैसे बात क्यों कर रहे हो? अरे नित्यानंद की तरह? ये सब मुँह से अपने आप निकल जा रहा है। मेरे मुँह से भी बहुत कुछ निकल सकता है, पापा के आने का टाइम हो रहा है। अरे बाप रे, ठीक है तो मैं चलता हूँ। अपने पापा को मेरा हाय कहना और अपनी माँ से अपनी नजर उतरवा लेना। क्यों? मेरी नजर लग गई है ना तुम्हें, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या ये, क्या गड़बड़ किया तुम लोगों ने? अरे तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने क्या किया है? ए, उसे नीचे रख दो। कहाँ ना नीचे रखो। तुम्हारी भलाई के लिए हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं तो हौसला इतना बढ़िया कि हमारे ही घर पर पत्थर फेंकने के लिए आ गए। क्या ये, क्या ये सब राजनीति इतनी गंदी हो गई है? रोड पे मीटिंग, क्या ये सब? और नहीं तो क्या, नॉमिनेशन का टाइम होने वाला है। उस मुरलीनाथ का नाम अभी भी सुनाई दे रहा है। उस नाम को लिस्ट से हटाने के लिए ही हाईकमान को कितने दिन पहले 50 लाख रुपए दे चुके हैं। तुम्हारे दिए हुए वो 50 लाख रुपए हाई कमांड के कॉफी टिफिन के लिए भी कम पड़ गए। अशोक जी, घुमा फिरा के बात मत करो, क्या बात है सीधे बोलो। मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा दिमाग है, तो मैं जितना चाहिए बोलो, अभी के अभी फाइनल कर देता हूँ। तुमने एक नई बोट ली है ना, कितने की है वो? 10 लाख। 15 लाख। उस बोट की कीमत उतनी ही है क्या? टोटल 25। अब उस बोट की वैल्यू बढ़ी है। तुम्हें कल तक पैसे मिल जाएंगे, काम तो पूरा हो जाएगा ना? हो जाएगा, मगर एक बात है, राजनीति में गुंडागर्दी चलती है, मगर इस तरह की गुंडागर्दी की किसी को पता ना चले। देखो
तुम कोई भी हो, ये चाकू कोई रिश्ता नाता नहीं जानता। तेरा रुआब तेरी राजनीति में दिखाना, हमारे सामने मत दिखाना। मैंने क्या गलती कर दी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये लो, जल्दी जवाब देना। क्या जवाब दूं? हे भगवान, अब तू ही बचा मुझे। एक्सक्यूज मी, हे हे, अरे तुम तो कुंदापुर जाने वाले थे, यहाँ क्या कर रहे हो? कुंदापुर ही जा रहा था, लेकिन ये मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आ गया। तुम तो काम ढूंढने के लिए गए थे ना, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है बोलो। नेक्स्ट क्या करना है? ससुर जी से क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये क्या है? ए, दे दे। अरे ना, मुझे वापस कर। कुंडली है। ओह, ए पापी इंसान, इतना सब कुछ चल रहा है तो फिर देर किस बात की, चलो ससुर जी से बात करते हैं। हाँ? अरे बाप रे, ससुर जी इधर ही आ रहे हैं। तूने तो मुझे डरा ही दिया यार, सच में बहुत डर गया। जीवन साथी तो मिल गई, अब उसी से कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी। इतना ही है? हाँ इतना ही है। तेरा रोज का यही गाना है? ओह, कितने की है ये टेडी बियर? 300 रुपए का है, बहुत महंगा है। चलो 300 यहाँ से कवर हो गए। नमस्ते रमन्ना। क्या है बे? थोड़े पैसे चाहिए थे। तो कितने चाहिए तुझे? ज्यादा नहीं, 2000 रुपए। 2000 रुपए? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो क्या है ना कि वो एक काम कर, वो मंदिर दिख रहा है ना? हाँ, अंदर दिख रहा है। घंटी की आवाज आ रही है ना, तू वहां जा और घंटी बजा के आ जा। पैसा देने में और घंटी बजाने में क्या संबंध है? तुझे पैसे चाहिए या जवाब? पैसे चाहिए। अरे तो जा ना, मैं देखता हूँ कितनी जल्दी आता है। जा जा जा। बस इतनी तेज भागता है तू, जा जा जा, और स्पीड और स्पीड। कोई फायदा नहीं, पैसे नहीं दे पाऊंगा। क्यों? एक घंटे में 140 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, वो भी पैसे लेने से पहले। एक बार पैसा ले लिया तो कितनी स्पीड से भागेगा बेटा? इसलिए तुझे पैसे नहीं दे सकता मैं, क्योंकि तेरे पीछे मैं नहीं भाग सकता इतनी स्पीड से। कहीं और से ले ले, चलता हूँ। अरे चलता मुसाफिर मोहली। हेलो हेलो हेलो, मैं रमन्ना बोल रहा हूँ। हेलो, मैं रमन्ना बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, ये क्या है, मैं जो बोलता हूँ मुझे वापस सुनाई देता है? ये क्या है, मैं जो बोलता हूँ मुझे वापस सुनाई देता है? अरे अरे, ये फोन प्रॉब्लम है या सिग्नल प्रॉब्लम है? ये फोन प्रॉब्लम है या सिग्नल प्रॉब्लम है? हेलो हेलो, तुम मुझे लल्लू समझता है क्या? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। कर्जा दिया है मैंने और मुझे इस सिम चेंज करके चोरी से बात करना पड़ रहा है, बताता हूँ। ओ भाई, एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। मैं एक नंबर लगा के देता हूँ आपको, सूर्या है कि नहीं बस ये पूछे। अगर सूर्या होगा तो फोन मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? ओ, दूसरी कोशिश, चल कोई बात नहीं। लुच्चा लोफर हलकट भिखारी बेवकूफ,
तेरे हाथ में फोन किसने दिया है बे? इस हेलो ट्यून को सब्सक्राइब करने के लिए घर छोड़कर गली गली घूमने वाले लोफर, तेरे घर पे बीवी और बच्चे नहीं है क्या? जो इस तरह रास्ते के औरतों को छेड़ता है, तू तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तू लॉरी के नीचे आकर मरेगा। इस हेलो ट्यून को सब्सक्राइब करने के लिए 3 दबाओ। घंटी बज रही है ना? तू लूज है, तेरा बाप लूज है, तेरा पूरा खानदान लूज है। लूज लूज इस कॉलर ट्यून के लिए 4 दबाइए। तू लूज, तेरा बाप लूज। इस हेलो ट्यून को सब्सक्राइब करने के लिए 5 दबाइए। क्यों मामा, किसने तुम्हें मेरा नंबर दे दिया? उसको यहाँ लेकर आओ, हम सब उसके साथ मिलकर बैट बॉल खेलेंगे। इस कॉलर ट्यून को सब्सक्राइब करने के लिए 9 दबाइए। कमीने नालायक, क्या हुआ? सुबह सुबह मैं ही मिला तुझे। हमारी तरफ से इतनी डिटेल्स देने के बावजूद आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर से सुनने के लिए एक बार और कॉल करो। अब तेरा फोन ही नहीं आएगा। लेट होने के लिए माफी चाहता हूँ साहब, मीटिंग में काफी लोग आए हुए थे, इस वजह से लेट हो गया थोड़ा। हाई कमांड वालों से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैं संभाल लूंगा। अपनी जगह है, हम ही बैठेंगे वहाँ। आइए आइए बैठिए। मुरलीनाथ ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। वैसे आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा, मगर इस बार टिकट रविशंकर को देना चाहिए। सोच क्या रहे, सब लोग मिल करके इस बार उन्हें जिताइए। 30 सालों से मैंने इस पार्टी के लिए मेहनत की है, पिछले 3 इलेक्शंस में मैं ही जीत रहा हूँ, सीटिंग एमएलए हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक गुंडे को आप लोग सीट क्यों देना चाहते हैं। कह चुके, बैठ जाओ। देखो ये हाई कमांड का ऑर्डर है। क्यों भाई, तुम अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हो? पार्टी में दूसरे लोग नहीं है क्या? उनको भी तो चांस मिलना चाहिए। ठीक है, हम सबको चांस देंगे, लेकिन पार्टी के लिए काम करने वाले को ही, तब मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आखिर ये कौन है, इन्हें आप कैसे दे सकते हैं, कौन जानता है इन्हें? ए बुढ़े, मुंह बंद कर अपना। अगर सहन नहीं होता तो शराफत से निकल जाए यहाँ से, वरना उठवा के बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। लगता है अब इस पार्टी को मेरी जरूरत नहीं रही है। देखो, इलेक्शन के होने तक किसी भी तरह के खून खराबे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सावधान, इसे कुछ मत करना। ये बताओ, मेरा कर्जा कब चुकाने वाले हो? अरे यार, थोड़ा प्रॉब्लम है। ए भाई, लव है क्या? कोई आइडिया होगा तो दो ना। लिफ्ट मांगने के लिए स्विफ्ट गाड़ी का इंतजार नहीं किया जाता, कोई भी गाड़ी आए उस पर चढ़ जाओ। हाँ, तेरा नसीब अच्छा है रे, बहुत बढ़िया इनोवा मिल रही है। जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा करो, मेरा कर्जा उतारो और इनोवा कार अपने कब्जे में कर लो। ओ, बेकार में बत्तीसी मत दिखाओ, पहले जाके ड्राइविंग सीखो। आप ही विठल हो क्या? हाँ। आपको ये देने के लिए बोला है। तुझे किसने बताया मुझे ये बीमारी है? रुक, ए, रुक! तेरी सब... May I come in? ये पकड़ो, इसकी मुझे 5 कॉपी निकाल के दे देना। ज़ेरॉक्स मशीन में प्रॉब्लम है। ओह, जब दिल को प्रॉब्लम हो सकती है तो मशीन की प्रॉब्लम कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, मुझे 5 कॉइन दे दो, अर्जेंटली फोन करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। रिंग बज रही है, कट कर दिया। फिर से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कट कर दिया, ये क्या कर रही है? लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं।
इतना गुस्सा किस लिए, सुंदर सी हसीना के चेहरे पे। हाय 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 हाय, ये सब क्या है? तुम ऐसे बात करो जैसे दूसरे से बात कर रही हो। हाँ, और मैं भी किसी दूसरे से बात करने जैसे एक्टिंग करूंगा और सबको लगेगा हम किसी और से बात कर रहे हैं। किसी और से क्या, तुम कौन हो मुझे तो ये भी नहीं पता। अरे जानू, तुम तो मेरा पुराना प्यार हो, तुम्हें देखते ही मेरा दिल पिघल जाता है। हे भगवान, प्लीज मुझे दोबारा कभी भी फोन मत करना। ओहो, अब इसके लिए भगवान को क्यों याद करना, जस्ट रिलैक्सिंग एंड टॉकिंग। ओहो, माय फादर इज पत्थर उठाकर कमिंग, तुम वहीं खड़े रहो, आकर तुम्हारा सर फोड़ेंगे उसी से। ऐसा है तो आई एम गोइंग। अरे क्या बात है? क्या करूं, सुबह से आपके घर के पास ही बैठा हूं, मेरी परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बीबी हॉस्पिटल में पड़ी है, तुम्हारे भाई ने मुझसे पैसा लिया लेकिन वो दे नहीं रहा है। अपने भाई से पैसा दिला दो या फिर मुझे जहर दे दो थोड़ा सा। अरे रिप, ऐसी बातें क्यों करते हो, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकता हूँ। देखो मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, तुम परेशान मत हो। अपने भाई से पैसा दिला दो या फिर मुझे जहर दे दो थोड़ा सा। सुनो, ये 500 रुपए डब्बे के अंदर डाल दो। ऐसा क्यों? तुम डालो ना। लेकिन क्यों, पैसे जमा करके धूमधाम से शादी करवाना चाहते हो? अरे नहीं, मैं अपना खुद का एक रिकवरी ऑफिस खोलना चाहता हूँ, इसलिए तुम ही इसकी शुरुआत करो तो अच्छा होगा। ओ सच में, यहाँ ला, तुम्हारा ये डब्बा जल्दी से भर जाए, फिर तुम्हारा अपना रिकवरी ऑफिस हो, फिर तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ। सूर्या का भाई सबका कर्जा उतार रहा है। अच्छा, तुम जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ। सूर्या का पैसा उसका भाई देने वाला है, कहाँ है तू? जल्दी से वहाँ पहुँच। क्या बोल रहे हो, मैं आता हूँ। क्या बोल रहे हो, सच में? मैं अभी आता हूँ। क्या बोल रहे हो, सच में? कितने चालाक लोग हैं ये, पैसे लेने के लिए इतने पहले आ गए। कुछ भी हो, पैसे खत्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। आपका कितना है? 250। मेरा 2000। मेरा 2000। ये लो। मेरा 750। धन्यवाद। मेरे 500 रुपए। ये पकड़ो। एक दो, हाँ ये लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस काम से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आपने अपने भाई का कर्जा अपने हाथों से चुकाया है, आप देवता समान है। अब मैं किसी को भी पैसे दूंगा तो आपकी गारंटी से ही दूंगा। चलता हूँ मैं। एक दो तीन चार। हेलो, मैंने सुना है तुमने उसका कर्जा चुकाया है। हाँ ससुर जी। अब मैं नहीं चुकाऊंगा तो और कौन चुकाएगा?
अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है तुमने? मेरी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचा है क्या? खुद का बिजनेस शुरू करने वाला पैसा तुमने उठाकर उसे दे दिया, ये क्या किया तुमने? ऐसा कोई करता है क्या? उसका भाई होने के नाते उसका कर्जा चुकाना भी तो मेरा फर्ज है। ससुर जी, वो जहाँ काम कर रहा था, अगर वहाँ एक साल और किया होता तो उसका प्रमोशन भी हो गया होता। मैं अकेला हूँ इसलिए उसे बुला लिया था। वो बिना कारण जाने ही वापस आ गया। उसके बाद उसने बिजनेस किया लेकिन उसमें भी घाटा हो गया। इसके अलावा पिछले साल खेती में भी काफी नुकसान हुआ। अभी किस्मत उसके साथ नहीं दे रही है। अगर उसने कहीं पैसा और इन्वेस्ट किया होता तो ससुर जी आज की स्थिति बिल्कुल अलग होती। अरे भाई, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा। ससुर जी, आप उसकी चिंता मत करिए, वो मेरा भाई है, एक न एक दिन वो जरूर कुछ करेगा। हेलो हेलो, क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो? भैया, दरअसल मेरा बिजनेस कुछ गड़बड़ हो गया है, तो सॉरी, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। देख, मैं तुझे प्रेशर नहीं देना चाहता। तुम आर्मी से आए हो, बिजनेस करने गए और लॉस हो गया। बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट होता ही रहता है, तुझे इन सब का अनुभव होना चाहिए, इसलिए इतने दिनों से मैं खामोश था। थैंक्स, मैं आपके साथ आऊंगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ना? अरे तकलीफ किस बात की, तुम आओगे तो मेरी हेल्प ही हो जाएगी। चलो आ जाओ, बैठो। एक घर और बचा है, मैं वहां से लेके आता हूं, तुम जाओ। हाँ ठीक है भैया। हाँ बोलो रामा। तुम जरा अभी मेरे घर पे आ पाओगे क्या? ठीक है, आ रहा हूं। इसके पास भी अभी जाना होगा। ये तो लफड़ा हो गया। यहाँ रविशंकर कौन है भाई? रविशंकर जी कौन है, क्या काम है उनसे? मुझे उनसे ही बात करनी है। मैं उनका भाई हूं, मुझे बताओ क्या काम है। उन्होंने 50 लाख रुपया लोन लिया था, एक साल हो गया पर एक पैसा भी नहीं दिया। मैं रिकवरी करने आया हूं। क्या रिकवरी? हे, ये देखो रिकवरी करने के लिए आया है। अकेले आओ क्या? कर लो। तुम पैसे भरोगे या नहीं बता दो, नहीं तो कानून के हिसाब से वसूल करोगे। कहां आकर किसके सामने क्या बात कर रहा है, तेरा दिमाग ठिकाने पर है ना? देखो भाई, चुपचाप से कर्जा वापस कर दो। कहा बे तूने?
था। नहीं सूर्या, सूर्या उसे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों, डर लग रहा है क्या? तेरे लिए डर नहीं लग रहा है, उसके लिए डर लग रहा है कि क्या होगा। चल आजा। भैया आप बाहर खड़े रहो, इसे खत्म कर दो आज, इसे छोड़ना नहीं। हमारे अड्डे पर आया ये आज। महंगा पड़ेगा, अभी तो तेरे आदमियों की हड्डी पसली तोड़ी है, तेरी भी तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि तू राजनीति में कदम रख रहा है, तेरी पूरी कुंडली मेरे हाथ में है, एक हफ्ते में तेरा कर्जा चुका दूंगा। अगर उसके बाद तूने कुछ किया तो हाई कमांड ही नहीं तेरा बाप भी आ जाए तो भी मैं तुझे टिकट नहीं लेने दूंगा। तेरी ये शान पत्ती गुंडागर्दी सब अपने घर पे जाके दिखा, अगली बार मुझसे पंगा लेगा ना तो काट के रख दूंगा। ए, कौन है तू? पागल है क्या? हाँ पागल हूँ मैं, पागल, लेकिन पागलपंती हद में करता हूँ, लेकिन अगर तूने अपनी हद पार की ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, चाहे तो देख ले ये सैंपल। ए, कौन है तू? 20 साल पहले जिसको अन्याय से मार दिया वो मेजर सत्य प्रकाश, उसका बेटा हूँ मैं। मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, करंट वायर भी मेरी तरह ही पतला होता है, अगर शौक लगता है ना। ए, भाई छोड़ो मुझे। नहीं छोड़े, मैं उसे खत्म कर दूंगा। सुनो यही है उन लोगों का घर, तुम जाओ मैं पीछे से आता हूँ। हाँ ठीक है। आओ आओ बैठो। रविशंकर से किसने पंगा लिया है मुझे पता चला तो बुलाया। वो सब छोड़िए, आपका और उसका क्या मैटर है? राजनीति में ये सब चलता है, छोड़ो। अब तक उसे मेरी जरूरत थी लेकिन अब नहीं रही, उस रविशंकर पे जरा नजर रखनी थी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेरे भाई को धमकी देने आया था इसलिए मैंने उससे थोड़ी सी टशन में बात की बस। बहुत अच्छा किया, अगर सभी लोग ऐसा करें तो ऐसे लोग सामने ही नहीं आएंगे, कैसे पूछो। बिना पावर के मैं उन लोगों के साथ कुछ नहीं कर सकता। खैर कुछ भी हो उनसे संभल कर रहना। जो पावर होती है ना पद पर रहने से नहीं मिलती, अंदर रहनी चाहिए, उसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर रविशंकर को देख के सब लोग डरेंगे तो वो तो सोचेगा ही कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है, सारे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो क्या होगा। आप जैसे सोचते हैं वो उतना आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए बुलाया था लेकिन तुमने मेरी हिम्मत बढ़ा दी, ये है मेरा कार्ड, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इस नंबर पे फोन कर लेना एनी टाइम। थैंक्स। हाँ ठीक है, ठीक चलता हूँ।
अब उसका राज पूरी तरह से खुल गया है। उसकी राजनीति की यात्रा में भी अब अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, यही सोचकर रविशंकर के अंदर घबराहट शुरू हो गई है। अब ये बात पार्टी से होकर विधानसभा तक पहुंचकर उसका राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर देगी, ये सोचकर रविशंकर बहुत परेशान हो रहा है। सूर्य का दिया हुआ एक हफ्ते का टाइम अब पूरा होने वाला है। एक दिन उसे ये सब कैसे पता चला? मेरे बारे में उसे कैसे पता चला? भाई मुझे एक चांस दो, सिर्फ उसे खत्म करके उसके खून से आपका अभिषेक करूंगा। तू जरा चुप रहेगा? एक बार मार खा के आया है ना, फिर से मार खाना चाहता है तू? जो तेरा काम है वो कर, निकल जा यहाँ से, इलेक्शन के बाद देखना, चल निकल। ए शंकर मेरी बात सुन जरा, उसके खून में बहुत गर्मी है। कुछ लोग बातों से समझ जाते हैं लेकिन वो नहीं समझेगा, उसमें भी तो उसके बाप का ही खून है। उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके ऊपर बातों से असर नहीं होने वाला। उसका क्या करना है मैं तुझे बताता हूँ। वो क्या है कि दरअसल भैया किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया। अब शादी तो अपनी बिरादरी वालों से ही करनी चाहिए ना। वो कहाँ है? वो डर के मारे नहीं आए। वो मेरा दामाद है, अगर बिना बताए उसने शादी की तो मैं उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा। वैसे ये सब कहने वाले तुम कौन? मैं भी आपका दामाद हूँ ना। सारे गांव से कर्ज लेकर बेकार घूमते रहते हो, तुम्हें दामाद कौन बनाएगा? मतलब मैं आपका कुछ नहीं हूँ। जीवन भर मेहनत करके ये घर बनाया मैंने, कब क्या और कैसे करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। पहले एक जगह पर टिकना सीखो। इस हाल में तुम्हें कोई अपनी बेटी देगा क्या? पहले चार पैसे कमाना सीखो। मेरी बेटी की शादी किससे करनी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, निकलो। तो आप मुझे घर से जाने के लिए बोल रहे हैं क्या? सीधे तो कह रहा हूँ, समझ में नहीं आता, चल जा यहाँ से, रुक जा। अरे बेटी जरा इधर आना। हाँ हाँ क्या हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे किसी कौवे को करंट लग गया हो, क्या देख रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो सूर्या, दो दिनों में उदय और शारदा का एंगेजमेंट होने वाला है, उस बुद्धू को बता देना। एक बात और, ये भी मेरी बेटी के जैसे ही है। ठंडी का मौसम आने वाला है, तुम लोग अगर ज्यादा घूमे ना तो खचाक। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे ससुर जी को बताने की क्या जरूरत थी? इसमें डरने वाली क्या बात है, आज नहीं तो कल तो बताना ही था ना। अरे बाप रे, लेकिन उसका भी तो टाइम होता है। शादी से पहले ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, डरपोक निकले तो शादी के बाद क्या करेंगे? जो करता हूँ सब दिमाग लगा के करता हूँ। बात करो तो मुझसे। अरे क्यों? जाओ यहाँ से। अरे जानो, सुनो तो, क्यों इतना रूठ रही हूँ? मुरलीनाथ के राइट हैंड को तुम्हारे पास भेज दिया था और बाकी सब लोगों को भी तो भेज दिया हूँ, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? राजेंद्र जी, सबको ये दे देकर मैं थक गया हूँ, बताओ और कितने लोगों को देना है, एक साथ दे देता हूं। रविशंकर जी, तालाब में तुरंत जाल डालने से मछली नहीं मिलती, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है। टाइम तो दे दूंगा पर जाल डालने वाले ने धोखा दे दिया तो? देखो भाई, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, दिल्ली के राजपाल सिंह को 1 करोड़ भेज दो, तुम्हारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ये सब आपके कहने पे कर रहा हूँ, वरना ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। पिताजी, अरे मेरे घर में घुसे आ रहे हो, क्या बात है? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है इस तरीके से मुझे पकड़ के ला रहे हो? छोड़ो मुझे। 2 महीने का टाइम देता हूँ, चुपचाप घर खाली कर दो। क्या है ये सब, मेरे घर में मुझे रुआब दिखा रहे हो? रुआब? एक्चुअली रुआब तो तुम दिखा रहे हो। पिताजी, आज से ये घर मेरा है, दिखाओ इसे पेपर।
क्या है ये सब? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अगर चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो तुम्हारा ये घर बच सकता है। तुम्हारा वो जो दामाद है ना, उसने मेरे ऊपर केस किया है। इलेक्शन के टाइम पे मुझे ये मगजमारी नहीं चाहिए। जाकर उन दोनों को समझाओ, अगर मेरा काम नहीं बना ना तो किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी भी एक सुंदर सी बेटी है, याद रखना। मेरा दिमाग अगर हटा ना, समझा देना उन दोनों को। पिताजी, ए, पिताजी, इस बार तो मेरे आदमी तुम्हें खींच कर बाहर लाए हैं, अगली बार तुम्हें उठाकर फेंक देंगे। पिताजी, ये क्या किया उसने? ये क्या किया तुम लोगों ने? रविशंकर से पंगा क्यों ले लिया? उसने पिताजी पर हाथ उठाया और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। उससे क्या बात कर रही हो? बाहर भेजो उसे। क्या रे, मैंने पहले ही बोला था गुंडे लोग हैं वो, उनसे पंगा क्यों लिया? उनका दिमाग खराब हुआ तो तुझे मार देंगे, उनके चक्कर में मत पड़। पिताजी बहुत गुस्से में है। तुम्हारा भाई कहाँ गया? कल एंगेजमेंट है और आज तुम लोग ऐसा कर रहे हो। अब वो सब भूल जाओ, अब ये एंगेजमेंट नहीं होगी। तुम करो जो करना है। उसी का फोन है। नहीं नहीं, उसे बात मत करना है। अरे सुन तो। अरे झटका लगा ना, मेरे ऊपर सवारी करेगा तू? मेरा सामना करके तो इस गांव में जी पाएगा? ए, तेरी कुंडली मेरे हाथ में, ज्यादा उड़ मत समझा, तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे घर वाले बोल रहे हैं इसलिए चुप बैठा हूँ। देख, मैं तेरे बारे में नहीं सोचूंगा और ना ही तू मेरे बारे में। अगर हम दोनों के मामले में तूने मेरे फैमिली को बीच में लाया तो मैं तेरी पूरी की पूरी कुंडली बदल दूंगा। चल फोन रख। ऊंची आवाज में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तेरे साथ ये फालतू का लफड़ा करने की मेरे पास फुर्सत नहीं है। धीरे से काटना फोन। चंद्रा, जो मैंने कहा उसका क्या हुआ? उसका पीछा कर रहा हूँ, आप ही बताओ उसका क्या करना है। उसे मार देना है, वो जिंदा ना बचने पाए। याद रखना, भाई को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। गुरु, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है भाई। उसे मार कर जेल जाऊंगा मैं, उसे मारना ही है। छोटी माँ नहीं आई? चलो बच्चे लोग, थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, थोड़ा पीछे बैठ जाओ। अरे सुनो, तुम लोग जरा थोड़ा साइड में आना। हाँ ठीक है। मैं सबको पानी दे देता हूँ। अरे आइए आइए आइए। सूर्या, एंगेजमेंट वाली अंगूठी नहीं दिख रही, मैंने हर जगह ढूंढ ली, अब मैं क्या करूं? क्या? अरे दूल्हे को पहनाने वाली अंगूठी टेबल पर ही रखी थी मैंने। सब जगह ढूंढ लिया ना? सब जगह ढूंढ लिया, पिताजी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। टेंशन मत लो, फंक्शन चल रहा है, किसी को कुछ मत बताना। आप जाइए, मैं लेके आता हूँ। गुरु भाई, अब वो बाहर चला गया, अब तुम आ सकते हो। जफ़ार, रुको, मेरे कहने तक दरवाजा मत खोलना। जाओ। भागो।
मुझसे जो भी पंगा लेता है उसे मारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। ये कैसे गिरा? गिर कैसे गिरा? हैं? अरे कहाँ चले गए साथ? कोई दिख नहीं रहा है? अरे ए, 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 नहीं 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 सुन सुन मेरी बात सुन। शंकर, तूने अपना वादा नहीं निभाया। तूने मेरी फैमिली को मार दिया, परेशान किया है तूने मुझे। मेरी फैमिली ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब तो मुझसे नहीं बचेगा। जब तक तुझे मिट्टी में नहीं मिला दूंगा मैं शांत नहीं बैठूंगा। चल रख फोन। कितनी बार समझाया था, तेरी समझ में नहीं आता क्या? वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना इलेक्शन का टाइम है, चुप नहीं रह सकता था। जान ले लूंगा तुम्हारी, पता है ना इससे क्या नुकसान हुआ हमारा? नालायक कहीं के। क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? इसे क्या बच्चों का खेल समझ के रखा है? वो मेरा भाई नशे में। चुप रहो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये बात बाहर फैले उससे पहले उसे दफना दो। चार पैकेट ले आओ। ठीक है भाई। एक मिनट में अभी आया। आ जाओ जल्दी आना। नमस्कार। अच्छे से समझाया था लेकिन समझ में नहीं आया। लगता है तुम लोगों को तुम्हारी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। ए, कुत्ते की तरह मार खाने के बाद ही बोलोगे ना? घर घर कुरमुरा शुरू हुआ है, हंडी कैसे फूटती है देख लेना।
लफड़ा शुरू हो गया है मुरलीनाथ, उसे अपना खेल शुरू करने से पहले हमें अपना खेल शुरू करना है। बहुत ही जल्दी सारा का सारा इंतजाम कर देना, क्योंकि किसी भी चीज की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तेरे भाई का नंबर है ना ये? अब फोन तेरे भाई को जाएगा। घर पे इनकम टैक्स की रेड होने वाली है, सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल के रखने के लिए बोल। चल बोल बोल। हेलो भाई, कंपनी में आईटी रेड पड़ने वाली है। आईटी रेड? तुम कहाँ हो? मैं वहीं पर हूँ भाई। लिखिए। नमस्कार त्रिवेदी जी, आपको एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूं। आप प्लीज 5 मिनट के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर्स को वहां पर भेजिए। सतीश जी आप भी आइए। ठीक है, आता हूँ। ऐसा ही मंजुनाथ, बाकी का प्रोसेस आपको पूरा करना है। जितनी जल्दी हो सके लेटर वहां से भेज दीजिए। मुरली जी सर, जल्दी से लेटर ऑफिस में फैक्स कर दो। मुरलीनाथ को ये पोस्ट दे दो, ठीक है? ठीक है सर। हेलो, क्या हो रहा है ये सब? ये क्या है इलेक्शन के टाइम पे? हेलो हेलो, क्या है सर ये सब? ये आईटी रेड इलेक्शन के टाइम पे? ये सब बातें फोन पर नहीं, रखो फोन अभी। हेलो हेलो, निकालो ये सब। हेलो सर, ये सब क्या है? इलेक्शन के टाइम पे ये रेट कैसे पड़ रही है? ए, अपने से ऊपर वालों को फोन करो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? नमस्कार रविशंकर जी। अभी तक तुम खूब झांसे देते हुए आए हो, अब पता चलेगा तुम्हें, समझ गए? पानी में पत्थर फेंकने से पानी हिलता है। सूर्य के फेंके हुए पत्थर की वजह से रविशंकर की कुंडली बदल गई है। अभी तक जो रविशंकर का साथ दे रहे थे वो अब सब लोग पीछे हट गए हैं, जिस वजह से रविशंकर परेशान है। ए, टीवी लगा। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार आईटी रेड पड़ने की वजह से रविशंकर की पूरी संपत्ति जब्त हो गई है। अपराधी को पकड़ने के लिए एसआई मंजुनाथ ने एफआईआर किया है। रविशंकर को पकड़ने की पूरी तैयारी कर दी गई है। हेलो राजेंद्र जी, पार्टी कैंडिडेट को बदल
रैली करना है ना। नहीं तो इस बार के चुनाव जीतना मुश्किल होगा। ये कैसे मुमकिन है? उसके दिए हुए पैसों की वजह से ही तो ये सब इतना बवाल हो रहा है। सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से है। इसमें कौन कौन शामिल है मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे हमने सर पर बैठाया तो हम सब डूब जाएंगे। जनता सब एक हो गई है। अभी हम सब उसका साथ दिया तो सब हवा में उड़ जाएंगे। ऐसा है क्या? तो अभी हमें क्या करना है ये बताइए। मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी बात रखनी ही होगी। मुरलीनाथ जी, हर बार की तरह इस बार भी आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि रविशंकर जी को चांस देने से राजनीति संकट में पड़ जाएगी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस विचार के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूँ। ये हाई कमांड का फैसला है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। इन्होंने तो कहा था कि सब लोगों को नमस्कार। सुनते हैं। सुना है आपकी पार्टी से रविशंकर जी को टिकट मिला हुआ है, ये कैसी बात है अपने आप में? वो कौन है? उसे हम पार्टी का टिकट बिल्कुल नहीं दे रहे। आप खुद ही दो तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे भरोसा करें? तो और क्या करें हम, उसका अरेस्ट वारंट निकला है, उसे कैसे हम पार्टी में शामिल कर ले? ऐसा कोई नहीं करेगा। मैं आप मीडिया वालों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारी तरफ से और हमेशा के लिए ये मुरलीनाथ ही हमारे पार्टी से कैंडिडेट है। अभी मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना हो, चलता हूं। नमस्कार। तूने सही कहा था, वो लोग आसानी से नहीं झुकने वाले। तेरा ही रास्ता सही है। सतीश अभी यहां से निकला है, वहां से छोटे गाड़ी में आ रहा है, उसे उड़ा दो। मैं पहुंच रहा हूं। ठीक है। बोलिए मंजूनाथ जी। मंजूनाथ कहता है कि उसका खून गर्म है। मैंने चेक कर लिया, उसका खून सच में गर्म है।
इस समय यहाँ नदी के पास पड़ा हुआ है, बचाना चाहता है तो आ जा। हेलो। ऑटो जल्दी से ब्रिज के पास चलो। हे भगवान। सर तुम वहां देखो, तुम यहां देखो। हेलो सतीश, कहाँ हो तुम? मैं बताता हूँ तुझे, जोन कमीने, अंडे के अंदर रहने वाला है तू, और अंडे का खोल हम हैं। बेचारा रिपोर्टर सतीश हमसे पंगा लेकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से विदा हो गया। या! बोल। ए रविशंकर से पंगा लेने का मतलब समझ में आ गया ना? दो विकेट निकाल चुका हूँ, एक मेजर टिकट निकालना भी बाकी है। जोन, तू आ जाएगा तो इन दोनों को छोड़ दूंगा, हिम्मत है तो आ जा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये शुरू हो गया है, आ जा। चाहिए कमीने को मुरली ना चाहिए। तुझे मुरली ना चाहिए। ए, तेरी कमजोरी क्या है मुझे पता है, मैं मुरली नाथ को नहीं लाया हूं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या हुआ? तेरे भाई को मार दिया है, अब तुझे भी मार कर दोनों को मिलवा दूंगा।
कमीने, मुरली ना चाहिए। ए चंद्रा, इसे मार कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दे। और उस लड़की के साथ क्या करना है मुझे पता है। भाई, अपना दुश्मन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आप बस गाड़ी लेके आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। चंद्रा नहीं, यहाँ सिर्फ मैं आया हूँ। मल्लिका सभी को आती है। कुछ लोग इसका सामना करते हैं और कुछ लोग डर के भाग जाते हैं। समस्या हमारी नहीं, हमारी सोच की है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इससे हमें युद्ध की तरह लड़ना होगा। और युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाता, सब मिलकर लड़ते हैं। इसी तरह समस्या चाहे जैसी भी हो, खुद की हो या देश की हो, सबको मिलकर इस अन्याय, अधर्म, बुरे कर्म, इन सब का सामना करना चाहिए। चाहे इसके लिए हमें युद्ध ही करना पड़े।